एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस बेस्टसेलिंग बुक के चैप्टर 4 से आज मैं आपके साथ किसी भी बुरी आदत को बदलने का सबसे इफेक्टिव तरीका शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जापानीज रेलवे सिस्टम को दुनिया का सबसे अच्छे रेलवे सिस्टम्स में से एक माना जाता है। अगर आपने कभी टोक्यो में ट्रेन से सफ़र किया है तो आपने ज़रूर वहाँ के ट्रेन कंडक्टर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी होगी। जब वो ट्रेन को चलाना शुरू करते हैं वो एक यूनिक चीज़ करते हैं। वो अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं और कमांड्स देते हैं। जब ट्रेन किसी सिग्नल के पास पहुँचती है तब कंडक्टर उस सिग्नल की तरफ इशारा करता है और कहता है सिग्नल इज़ ग्रीन। जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तब कंडक्टर स्पीडोमीटर की तरफ इशारा करता है और एग्जैक्ट स्पीड अनाउंस करता है। और जब ट्रेन के जाने का टाइम होता है तब कंडक्टर टाइम टेबल की तरफ इशारा करता है और टाइम बताता है। प्लेटफॉर्म पर दूसरे एम्प्लॉयज़ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कोई एक एम्प्लॉयी ट्रेन चलने से पहले प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ऑल क्लियर। हर डिटेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है और चिल्लाकर कहा जाता है। ये प्रोसेस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के नाम से जानी जाती है और ये एक सेफ्टी सिस्टम है जो गलतियों को कम करने के लिए बनाया गया है। शायद ये थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से एरर्स को 85% तक कम किया जा सकता है और एक्सीडेंट्स 30% तक घट सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी MTA सबवे सिस्टम ने इसका मॉडिफाइड वर्जन पॉइंट ओनली अडॉप्ट किया और 2 साल के अंदर ही गलत प्लेटफॉर्म पर रुकने से होने वाले सबवे इंसिडेंट्स 57% तक कम हो गए हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग इतना अच्छे से काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक अनकॉन्शियस हैबिट को कॉन्शियस लेवल पर ले जाते हैं। अपने आँखें, हाथ, मुंह और कानों को एंगेज करके ट्रेन ऑपरेटर्स कोई छोटे इशू को बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही नोटिस कर लेते हैं। जितना बिहेवियर ऑटोमेटिक बनता है उसके बारे में हम उतना ज़्यादा कॉन्शियसली सोचना बंद कर देते हैं। जब हम कोई चीज़ बार बार करते रहते हैं तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि अगली बार भी वैसे ही होगा जैसे पहली बार हुआ था। हम जो हर रोज़ कर रहे हैं उसके इतने अकस्टम हो जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि क्या वो सही काम है। बहुत सारी परफॉर्मेंस फेलियर्स हमारे इस सेल्फ अवेयरनेस की कमी से ही होती है। हैबिट्स बदलने में एक बड़ा चैलेंज जो आता है वो है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस बनाए रखना। और यहाँ आता है हैबिट स्कोर कार्ड, एक सिंपल एक्सरसाइज जो आपको अपने बिहेवियर के लिए अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है। अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाने के लिए आप अपने रोज़ के हैबिट्स की एक लिस्ट बनाएं। ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से लिस्ट बन सकती है। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए तब हर बिहेवियर पर जाए और अपने आप से पूछे क्या ये एक अच्छी आदत है, बुरी आदत है या न्यूट्रल हैबिट है। अगर वो एक अच्छी आदत है तो प्लस लिखें, अगर वो एक बुरी आदत है तो माइनस लिखें, अगर वो एक न्यूट्रल आदत है तो इक्वल्स टू लिखें। फॉर एग्जाम्पल ऊपर दी गई लिस्ट अब ऐसी दिख सकती है। हर आदत को आप कैसे रेट करते हो वो आपके सिचुएशन और गोल्स पर डिपेंड करेगा। हर रोज सुबह सुबह घी से लटपट आलू के पराठे खाना उसके लिए एक बुरी आदत हो सकती है जो वजन कम करना चाहता है, लेकिन जो वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक अच्छी आदत हो सकती है। सब कुछ आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अपनी आदतों को स्कोर करना थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है। किसी भी हैबिट को गुड हैबिट और बैड हैबिट का लेवल लगाना पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आदत पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। हैबिट सिर्फ इफेक्टिव होती है। ये वो हैबिट्स होती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। हर हैबिट आपको अपने तरीके से फ़ायदा देती है। हाँ, आपने सही सोचा, इवन बैड हैबिट्स भी, इसीलिए आप उन्हें रिपीट करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने हैबिट्स को उनके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर कैटेगराइज करें, क्योंकि जनरली अच्छी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है और बुरी हैबिट्स नेगेटिव रिजल्ट्स देती है।
जैसे सिगरेट पीना स्ट्रेस को थोड़े टाइम के लिए तो कम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है। अगर आप किसी हैबिट को रेट करते वक्त स्ट्रगल कर रहे हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें, क्या ये बिहेवियर मुझे वैसा इंसान बनाने में मदद करेगी जैसा मैं बनना चाहता हूँ? वो आदतें जो आपकी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी को बढ़ावा देती है जनरली अच्छी होती है, जबकि वो आदतें जो उससे अलग जाती है जनरली बुरी होती है। और जब आप अपना हैबिट स्कोर कार्ड बना रहे हो तो फिक्र ना करना, कुछ भी तुरंत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग गोल बस ये ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, अपने थॉट्स और एक्शंस को बिना किसी जजमेंट या सेल्फ क्रिटिसिज्म के साथ देखो। अपने फ्लॉज के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो या सक्सेस के लिए खुद को ओवरली प्रेज भी मत करो। अगर आप ऑनलाइन टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये नोटिस करें कि आप अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी रहे हैं जो आपकी गोल से मैच नहीं करता, क्योंकि बुरे आदतों को बदलने का पहला कदम उन्हें पहचानना होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत है तो आप भी पॉइंटिंग एंड कॉलिंग को ट्राई कर सकते हैं। जो काम आप करने वाले हैं उसको चिल्लाकर बोलने से आप उसके असर पर ध्यान दे पाते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर वेस्ट हो रहे टाइम को कम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा, तो बस बार बार बोलिए, मैं अपना स्मार्टफोन उठाने वाला हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ मेरा टाइम बर्बाद करेगा और मेरी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालेगा। अपनी बुरी हैबिट्स को ज़ोर से सुनना उसके कंसीक्वेंसेस को और पक्का करता है। ये माइंडलेसली काम करने के बजाय आपके एक्शंस में वजह डालता है। ये अप्रोच अपने टू डू लिस्ट के टास्क को याद रखने के लिए भी फायदेमंद है। बस बोलिए, कल लंच के बाद मुझे बैंक जाना है। इसे एक्चुअली उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्शन की ज़रूरत को एक्नॉलेज करके आप अपने काम को करने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। बिहेवियर चेंज अवेयरनेस से शुरू होता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड जैसे स्ट्रेटजीज आपको आपकी आदतों को पहचानने और उनको ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ये अवेयरनेस आपको उन तरीकों से रिस्पॉन्स करने के लिए एम्पावर करती है जिससे आपके ओवरऑल वेलबींग को फ़ायदा हो। ये स्ट्रेटजी मुझे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर से पता चली है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है लेकिन आप बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में बताए गए आइडियाज़ को जानना चाहते हो तो हमारा चैनल आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको चैप्टर वाइज कंप्रिहेंसिव बुक समरीज देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी और बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।